का षड्यंत्र किया गया, वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। कांग्रेस आला कमान के सामने खुलकर मोर्चा खोल रहे ये राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बोल हैं। गहलोत ताल ठोक कर कह रहे हैं कि सचिन पायलट को कभी सीएम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के 19 विधायकों को लेकर सरकार गिराने की कोशिश की है। गहलोत के इस बयान से एक बार फिर राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, और ऐसे में पायलट को लेकर गहलोत की खुली चुनौती कांग्रेस के लिए फिर मुसीबत खड़ी कर सकती है। काम की कमी रखी नहीं है, चौमुखी विकास हुआ है। हम चाहेंगे कि इस बार सरकार रिपीट हो, हमारी आप रिपीट करो। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया, वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर, 35 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, उससे ज़्यादा भी ऑफर करते कहीं कहीं पर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बदलेंगे? तो जो वोटों का राज है आपका, आपका आम जनता के गरीब का मान सम्मान तब तक ही है। आपको बता दें कि एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए गहलोत ने यहां तक कह दिया कि जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार कहा गया है, उसे जनता कैसे स्वीकार कर सकती है। वहीं गहलोत के इस बयान पर पायलट का कहना है कि वो पहले भी मुझे नाकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। पायलट ने गहलोत पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उन्हें इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। मैंने जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलें, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। इसके बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से सीएम बनाने को लेकर एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि गहलोत द्वारा कभी 10 तो कभी 20 विधायकों के समर्थन की बात मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों की गुप्त राय ली जाए, उसमें गहलोत को समर्थन नहीं मिलेगा। दरअसल पायलट का दावा है कि गहलोत के हटने से राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, और गहलोत के दबाव की वजह से कांग्रेस विधायक खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए सीएम का फैसला गुप्त मतदान से करा कर लिया जाए। सूत्रों की माने तो पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के सामने कह दिया है कि अगर गुप्त मतदान में गहलोत को बहुमत मिलता है तो वो दोबारा नेतृत्व परिवर्तन की मांग नहीं करेंगे और गहलोत की अगुवाई में चुनाव में जी जान से लगेंगे, लेकिन गुप्त मतदान से कम वो कुछ मंजूर नहीं करेंगे। वहीं गहलोत और पायलट के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि गहलोत के अपने युवा सहयोगी सचिन पायलट के साथ जो मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें हल किया जाएगा। कांग्रेस के अंदर आपसी फूट बार बार क्यों दिखाई देती है? पार्टी की ओर से मैंने कल एक बयान दिया है कि अशोक गहलोत जी बड़े वरिष्ठ, बड़े अनुभवी हमारे नेता हैं, सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, उनका भी एक विशेष महत्व है हमारा संगठन में, राजस्थान और केंद्रीय स्तर पर भी। पर जो कुछ मतभेद हैं, मुझे विश्वास है, मैं यकीन करता हूं कि वो जल्द से जल्द संगठन के नजरिए से कोई हल निकाला जाएगा। वहीं इस पूरी सियासी खींचतान के बीच गहलोत के इस बयान को एक बार फिर गांधी परिवार के खिलाफ माना जा रहा है, और इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर यह बताने की कोशिश की है कि राजस्थान के उन बागी विधायकों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है जिन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देने का विरोध किया था।